इस घर के खिलाफ, हमारे खिलाफ उसके दिल में नफरत पैदा कर दी है तुम लोगों ने। अब और क्या बाकी है? हम लोग माफी मांगने आए हैं उससे। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन तुम लोग उसे मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता। आपके ना चाहने पर भी आप इन लोगों को रोक नहीं सकते रघुनाथ जी। आपका फैसला विक्रम को पागल साबित करने का था, उसे किसी से मिलने से रोकने का नहीं। डोंट वरी, आई विल सी टू इट दैट दीज पीपल डोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स। थैंक यू। तुम जाकर इनकी जीप में बैठो, मैं भी चलूंगी। तुम जाओ प्लीज। सुनो, विक्रम की तबीयत ठीक नहीं है, उसे परेशान मत करना, ठीक नहीं होगा। जी चलो, विक्रम का सामान बांधो। लेकिन उसकी तो रात की फ्लाइट है। वो अभी निकलेगा इसी वक्त, उसकी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। विक्रम अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कह दो कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है। नहीं बल्लू, अब जाना होगा और यही सबके लिए ठीक होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ये अकलमंद लोग जिसे पागलपन कहते हैं, अब उसी में जीने की कोशिश करूंगा। बकवास बंद करो विक्रम, पागल नहीं हो तुम। पागल नहीं हो तो और क्या हूं मैं? यूं जिंदगी से नफरत हो जाना, यूं इरादे टूट जाना, हौसले मिट जाना, इसे पागलपन ही तो और क्या कह सकते हैं? इस नफरत, इन दुखों का दायरा तुम ही ने बनाया है अपनी चारों तरफ। विक्रम, इस दुनिया में एक तुम ही नहीं हो जो दुखी हो। बाहर निकलो इस दायरे से। मेरी समझ में ये नहीं आता तुम हकीकत से भाग क्यों रहे हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी, अपने सपने इस तरह दांव पे लगाओ। दोस्त हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारी आइंदा जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और मेरा आने वाला कल मेरे बीते हुए कल की परछाई होगा, और ये अंधेरा मेरी जिंदगी में फैला है, मेरी मान है। मां 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 मां, तुम्हारी मां तुम्हारा बीता हुआ कल है विक्रम, जिसकी परछाई से तुम घबरा रहे हो। कब तक, आखिर कब तक? मां बाप कोई चुनता नहीं है विक्रम, पैदा होने के बाद उनसे हमारी पहचान होती है, वो जैसे भी उन्हें स्वीकार करना पड़ता, इसलिए वो हर किसी की जिंदगी का मकसद नहीं बन सकते। विक्रम, तुम्हारी जिंदगी का मकसद तुम्हें चुनना है, अपने हौसले के जरिए, अपने हौसले के सहारे उसे पूरा करना। इसे देखो, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए इसने अपने पिता से भी दुश्मनी मोल ली। कितनी हिम्मत सही है इसने, लेकिन अपने सारे दुखों को इसने अपने दिल में छिपा लिया, और तुम हो कि अपने अपने ही दुखों को लिए बैठे हो। उठो विक्रम, विक्रम उठो, आने वाले कल का सूरज हो तुम, अपनी तेज रोशनी से दुश्मन की आंखों को जला दो। और तुम अकेले नहीं हो, जो भी अंजाम होगा उसका सामना हम दोनों मिलकर करेंगे। हम दोनों नहीं, हम तीनों। पहले वाली फ्लाइट कैंसिल कर देना, आई वॉन्ट एन इमीडिएट फ्लाइट, मेरा पेशेंट बहुत सीरियस है। ओके थैंक्स। अरे ये लोग अभी तक बाहर नहीं आए, उसे देर हो रही है। आ रहा हूं। इतनी बेचैनी भी ठीक नहीं है मां। क्या कहा तुमने? तुमने ठीक सुना मां। सुना आपने, इसने मुझे मां कहा? ये ठीक हो गया अभी? हां मैं ठीक हो गया हूं मां। अब तो कहीं नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाऊंगा, जब एक मां कह रही है तो उसका बेटा कहीं नहीं जाएगा। मां बहुत सुकून मिला होगा ना तुम्हारे दिल को, बहुत ठंडक पहुंची होगी कलेजे में ये मां शब्द सुनकर। ये शब्द आज के बाद तुम कभी नहीं सुन पाओगी, क्योंकि आज के बाद
तुम मेरी सूरत कभी देख नहीं पाओगे। नहीं विक्रम, नहीं, ऐसे मत तड़पाओ मुझे, समझाइए नहीं से, प्लीज। इसके दोस्त इसे समझा चुके हैं। हाँ रघुनाथ, देर से ही सही, मगर समझ गया हूं मैं। मुझे हमेशा के लिए विलायती पागलखाने भेजकर यहां इस राज पर हमेशा के लिए हुकूमत करने का इरादा है तुम्हारा, और तुम्हारा यह इरादा मैं और मजबूत किए जा रहा हूं। ये जो कपड़े पहन रखे हैं मैंने, सिर्फ उन्हीं को यहां से ले जा रहा हूं, बस। आज के बाद इस घर पर, इस दौलत पर, इस घर की किसी भी चीज पर मेरा कोई हक नहीं होगा। एक औरत के जज्बात पर अंकुश रखकर तुमने यह राज हासिल तो कर लिया, मगर यह मत भूलना कि इस महावृक्ष का बीज मेरे पिताजी ने बोया था, जिसकी छांव में बैठकर फल खा रहे हो तुम। तुम एक कमीने बेशरम इंसान। विक्रम, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, ताकि दुनिया ये जान ले कि बगावत का ऐलान हो चुका है। दुनिया तुम्हारी बात मानेगी नहीं विक्रम, ये देखो कोर्ट के ऑर्डर्स। मानेगी तो वो एक पागल के दस्तखत भी नहीं रघुनाथ, वही दस्तखत जो तुमने मुझसे करवाए थे जायदाद के कागजात पर। अब तुम दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहोगे कि विक्रम पागल नहीं है, विक्रम पागल नहीं है। और तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो इस तिजारत पर, इस कारोबार पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। चॉइस इज योर्स, मुझे पागल करार देना या फिर इस बिजनेस एम्पायर पर राज करना। विक्रम, तुमने रघुनाथ को चुनौती दी है, पछताओगे, मरते दम तक पछताओगे। अभी तक मैंने चुनौती दी कहां है, अब तक तो मैं तुम्हें सिर्फ मौका दिए जा रहा हूं ताकि तुम अपना होश संभाले रखो। लेकिन अब चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हारे इस राज के सामने अपना साम्राज्य खड़ा करूंगा रघुनाथ। आज से, अभी से एक बेटा प्रतिशोध का ऐलान करता है, अपनी सगी मां के खिलाफ और अपने झूठे मक्कार सौतेले बाप के खिलाफ। विक्रम, अरे तेरा बदन तो गर्म लग रहा है, तुझे तो बुखार है यार। नहीं बोलू, ये बुखार नहीं है, ये बदले की आग है जिससे मेरा बदन तप रहा है। तू लेट आ रहे, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तू बैठ, तू मत जा। अरे क्या कर रहा है तू यार, मुझे जाने देना। क्या बल्लू, अब इन छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दे, बहुत सो लिए मखमल की सेज पर, अब जरा कांटों पे और ईंट पत्थरों पे सोने की आदत डाल लेते हैं। तुझे एक जोक सुनाता हूँ। एक एक परेशान आदमी एक जोची के पास गया, अपना हाथ दिखाया। जोची ने हाथ देकर कहा कि आगे के 2 साल तुम्हारे लिए बहुत खराब जाएंगे। आदमी बोला, फिर क्या होगा? जोची बोला, फिर तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तो ठीक रहे, बस यही मैं चाहता हूं। अभी तक तो हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत भी नहीं किया यार। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम दोनों जो मेरे साथ हो। ये अश्विनी नहीं आई अभी तक?
विक्रम सच बता, कैसा लग रहा है तुझे? बताओ। तुझे याद है पल्लू, जब स्कूल में पहली बार मैं कैप्टन बना था और कैप्टन बनने के बाद अपनी पहली मैच खेलने के लिए मैं मैदान में उतरा था, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और हम लोगों ने वो मैच जीती थी। आशु, ये बचपन का खेल नहीं है। सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। विक्रम को आदत हो गई है सोने की थाली में खाने की। रघुनाथ के साथ रहकर आपको हर चीज में रुपया पैसा सोना चांदी नजर आने लग गया है। क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला करने का हक आपको नहीं है। आपकी जान बची यही बात। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों, डर लग रहा है? मेरी एक बात मानेंगे आप? आपकी बेटी होने के नाते कम से कम इतना तो कह सकती हूँ, रघुनाथ का साथ छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप हमारा साथ दीजिए, बस उनका साथ छोड़ दीजिए। अकेले क्या कर लेंगे वो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोच लीजिए, आपकी बेटी ऐसा क्यों कह रही है? रघुनाथ की तबाही के साथ आपकी तबाही भी जुड़ी हुई है। हमारे रास्ते में जो कोई भी आएगा उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। जो बेटा अपनी मां को बर्बाद करने की, उसका सुख चैन छीनने की कसम खाता है ना, वो बेटा बेटा नहीं। अपने दोस्तों के बहकावे में आकर उसने ये सब कुछ कहा है। मैं जानती हूँ उसका मन साफ है। अरे खाक साफ है, उसके हर एक लफ्ज में नफरत भरी हुई थी, तुम्हारे खिलाफ, मेरे खिलाफ। मैंने कभी उसके खिलाफ एक लफ्ज कहा है? अगर उसकी तरह मैं भी रोने लगा ना तो शायद ये कारोबार, ये घर सब कुछ बह जाएगा। तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, बंद करो ये ममता का नाटक। तुम्हें मेरे साथ खड़े रहना है। एक माँ को अपने बेटे के साथ लड़ने के लिए कह रहे हो? कैसी लड़ाई है ये? प्रतिशोध है ये। होश में आओ। अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घर को बर्बाद करने निकला है वो। एक बेटे को अपनी माँ के खिलाफ लड़ने का हौसला दिया है उस औरत ने, उस अश्विनी ने, जिसका बाप इस घर का नौकर है। छी। अश्विनी शायद ये नहीं जानती है कि एक माँ को अपने बेटे के लिए तड़पाने की क्या कीमत होती है। उसे भी इसी जन्म में इसका हिसाब देना होगा, शायद मेरे ही हाथों। पैसा कमाने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है आशु, पर हमारे पास ना ही पैसा है और ना ही कोई काम। मुझे तो शक है कि वो लोग हमें यहां भी चैन से रहने नहीं देंगे। अच्छा, ये बंगला किसके नाम पर है? मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि गजेंद्रनाथ जी शालिनी जी को शादी के बाद यहीं लाए थे, विक्रम भी यहीं पैदा हुआ था। हाँ, मगर ये किसके नाम पर है ये तो मुझे पता नहीं। जब किसी बछड़े को खुला मैदान नजर आता ना, तब वो सिर्फ दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, तो उसकी कोई दिशा नहीं होती। बस वही हाल है हमारा। हमने विक्रम को विश्वास तो दिलाया है, उसका हौसला बढ़ाया है, लेकिन किस बलबूते पर? उसकी आजादी, और यही दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त है। ये देखो, देखो मेरी तरफ देखो। ये पता है तो इसमें कैसा लग रहा है? कैसे? वो खेतों में कौओं को भगाने के लिए जो पुतला खड़ा करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। गलत, मैं ऐसा दिख ही नहीं सकता। है? क्योंकि अगर ऐसा दिखता तो सबसे पहले तू भाग जाता। अब हंस लिया, हो गया मजा। अब काम की बात करते हैं। हर काम की शुरुआत पापा इसी कमरे से किया करते थे, यही प्लानिंग हुआ करती थी हर नए काम की।
और आज देखो क्या हालत हो गई कमरे की। क्या हुआ ऐसे? मन की सारी कमजोरियां, सारे रिश्ते, सारे नाते एक पल में झटक कर आए हो तुम। फिर इस कमरे की मिट्टी क्या चीज है? लेकिन हम लोग काम क्या करेंगे? हम अपनी एक नई कार डिजाइन करेंगे। कैसे? बल्लू, तेरा यह दोस्त 3 साल विदेश रहकर यही तो काम करते आया है। मेरा मतलब पैसों से था विक्रम। तेरे ऐसे कई सवालों के जवाब मेरे पास आज नहीं है। तू जानता है पापा यहां बैठकर क्या किया करते थे? ऐसे ही कई सवालों के जवाब ढूंढा करते थे और वो उन्हें मिल जाया करते थे। मुझसे कहते थे कि इस कमरे में एक ऐसा जादू है जो उनका हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। हमें वो जादू ढूंढना है। हेलो, स्माइल प्लीज। घर शालू के नाम पर है। गजेंद्र जी ने इसी घर से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। बेटा भी बाप के रास्ते पर चल रहा है, तरक्की करेगा। जब से घर बना है तब से शालू के नाम पर ही है। तकदीर जब साथ देती है ना कृष्णकांत, तो इंसाफ होता ही है। विक्रम को पहला झटका दे, नोटिस भिजवा दो उसके नाम कि 2 दिन के अंदर वो ये घर खाली कर दे या इस घर की कीमत अदा कर दे। 2 दिन के अंदर। जी। मिनिस्टर के पीए के साथ बात हुई? क्या हुआ सामंत की ट्रांसफर का? आज शाम को मिल रहे हैं, देखते हैं। देखना नहीं है, ये काम हो जाना चाहिए कृष्णकांत। मेरे पास वक्त बहुत कम है। जिन जिन के सहारे विक्रम खड़ा होना चाहता है उन सारे खंभों को उखाड़ फेंकने हैं मुझे। जितना दौड़ना चाहता है ना वो दौड़े, मुड़कर देखेगा ना तो अकेला पाएगा अपने आप को। कोई नहीं बचेगा उसके साथ कृष्णकांत। अभी भी वक्त है, समझा लो अपनी औलाद को। ठीक है कृष्णकांत, मैं समझ सकता हूं कि इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन आज के बाद विक्रम और उसके दोस्तों के साथ जो कुछ भी होगा, समझना भगवान की मर्जी से हो रहा है। आपकी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ किया है मैंने?
अगर आप चाहते हैं कि मैं हॉस्टल चली जाऊं, तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। विशु, तुम एक समझदार और अकलमंद लड़की हो। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे तुम अच्छी तरह समझ रही हो। थोड़ा बहुत। अब तो तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि तुम्हें हॉस्टल क्यों भेजा गया। मामा के फैसले से मैं दूर रहूं इसलिए। और उस फैसले का क्या असर हुआ है मुझ पर, ये तो तुम देख ही रही हो। अगर मैं अकल से काम लेता तो हालात कुछ और नजर आते तुम्हें। मैं नहीं चाहता कि तुम यहां रहकर अपने ब्रदर की तरह कमजोर बन जाओ। मेरे ब्रदर कमजोर नहीं है, यही साबित करना है मुझे। और मैं ये भी नहीं चाहता कि ये नौबत भी तुम पर आए। अगर तुम पर कोई उंगली भी उठाए या तुम्हें दुख देने की कोशिश करे तो तुम उसे जवाब दोगी उसी जबान में। कोशिश करूंगी। अगर हमारी बात ना हो पाए तो यह समझ लेना कि मैं किसी काम में फंसा हुआ हूं, या फिर किसी को जवाब दे रहा हूं उसी जुबान में। ये क्या? आपकी वसीयत। तुम्हारे ब्रदर को कुछ नहीं होगा।